सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी के लेखक है ज्ञान तिवारी। रात का समय, शहर की ओर जाते हुए रास्ते पे एक बाइक मध्यम गति से दौड़ रही है। बाइक सवार के माथे पर हल्की सिलवटें उभर आ रही है। वो कुछ परेशान सा किसी सोच में डूबा एक दिशा में बाइक चलाया जा रहा है कि तभी बादल गहरा जाते हैं और हल्की बारिश गिरने लग जाती है। यूं अचानक शुरू हुई बारिश उसे थोड़ा सुकून देती है और उसके चेहरे की परेशानी हल्की हो जाती है। बाइक सवार एक घर के बाहर अपनी बाइक पार्क करके अंदर की ओर चल देता है। वह पूरा भीगा हुआ है। ऊपर आकाश में बिजली का जोर जोर से कड़कना जारी है। वह आदमी कंधे से बैग उतारकर कमरे के सेंटर में पड़ी टेबल पर अपना बैग रखता है और खुद हाथ प्रभ टेबल के पास रखी कुर्सी पर बैठे अपने हाथों के बीच अपना सर छुपा लेता है। वह सोच में डुबाई होता है कि तभी कमरे की खिड़की तेज हवा के झोंके से खुल जाती है और तेज हवा का बहाव तेजी से अंदर आता है और उसे झंझोर देता है। वह हड़बड़ाकर उठता है और फट से खिड़की बंद कर देता है और जैसे ही मुड़ता है उसके सामने पड़ी टेबल पर उसे एक चुड़ैल बैठी दिखाई देती है जो खीसे निपोर कर हंस रही है। वह सहम जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और जैसे ही दोबारा खोलता है तो सामने कोई नहीं होता। शायद ये मेरा भ्रम था। इतना कहकर वह बिस्तर से टेक लगाकर बैठ जाता है और ऊपर चल रहे पंखे की ओर देखता है। मैं पेशे से एक पत्रकार हूँ और जो कहानी मैं अपने अगले लेख के लिए लाया वो कितनी विभत्स और खौफ दिलाने वाली है कि अब तो मेरा जहन भी उसे नकार नहीं रहा। ना जाने क्यों एक औरत के कहे शब्द मेरे दिमाग में अपना घर बना रहे थे। कुबेरिया होते ही अपने घर में रोशनी करना बहुत जरूरी होता है। कहते हैं कि अगर कुबेरिया होने के बाद घर में अंधेरा रह जाता है तो कोई बुरी शक्ति आपके घर को ताक कर उसमें अपना कोना बनाकर बैठ जाती है। वो आदमी अपने बिस्तर से उठा और बैग से अपना रिकॉर्डर निकालकर उसे ऑन किया और बोलना शुरू किया। रितिका और अमित देर रात ड्राइव करके अपने घर वापस पहुंचे तो देखा उनकी माँ बाहर चौखट पर बैठी हुई है। रितिका और अमित ने उनके पास आकर पूछा कि वो इस तरह गुस्से में घर के बाहर क्यों बैठी है तो वह सहसा चिल्ला उठी, कितनी बार बोले हैं तुम लोगों को कि अगर शाम के समय कहीं घर से बाहर जाओ तो घर की बत्तियां जला कर जाया करो, पर बुद्धि मोटी होती है तो भलाई की बात नहीं जाती है उसमें। अमित अपनी माँ को समझाते हुए कहता है, अरे ऐसा भी क्या हो गया माँ, इतना क्यों गुस्सा कर रही हो तुम। क्या हो गया, तुझे हजार बार समझाया है कि घर में अंधेरा नहीं रहना चाहिए, कोई घुस के बैठ गया तो। पर माँ, यहाँ एक छोटा बल्ब जल तो रहा है ना, और घर में कौन आ जाएगा। ये भी मैंने जलाया है जब मंदिर से लौटी, तुम लोगों को घर का ख्याल है ही नहीं। बहस लंबी थी पर किसी तरह रितिका और अमित अपनी माँ को समझा कर घर के अंदर ले आए। आधी रात का समय, रितिका और अमित गहरी नींद में सोए हुए हैं। बगल के कमरे में उनकी माँ भी सो रही है। उनके बिस्तर से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है जिसके पास एक दिया प्रज्वलित है और उसी दिए के पास कुछ पूजा की हुई सीखे रखी हुई है। ये सीखे करवा चौथ की पूजा में इस्तेमाल की जाती है। सब गहरी नींद में थे कि तभी रितिका की आंख खुल गई और धुंधली आंखों से उसने घड़ी देखी तो रात के 2:15 थे। वो उठी और किचन में रखे फ्रिज से पानी की बोतल निकाली। उसने पानी की 2 घूंट पिए ही थे कि एक अजीब सी आवाज उसके कानों में पड़ने लगी, जैसे मानो कि कोई कुछ बुरी तरह से चबा चबा कर खा रहा हो। थोड़ी देर को ये सब रितिका को उसका भ्रम लगा, जैसा कि अक्सर आधी रात में लोगों को हो जाता है। रितिका पलटकर अपने कमरे में वापस जाने लगी और जैसे ही वो किचन से बाहर की ओर आई उसके कदम सहम गए। अब खाने की आवाज बहुत जोर जोर से अंदर की ओर आने लग गई थी। रितिका बाहर की ओर चल पड़ी। रितिका किचन में ड्राइंग रूम की ओर आते हुए, कौन है बाहर, कोई है क्या। रितिका की बातों का कोई जवाब नहीं आया पर वो खाने की आवाज अब किटकिटाहट में बदल गई थी। रितिका जरा सी आगे बढ़ी थी कि उसके पैरों के पास एक खून से सना हुआ हड्डी का एक छोटा टुकड़ा उसके पैरों पर आ गिरा और रितिका हड़बड़ा के डर के पीछे हट गई। उसने वहां से देखा कि उसकी माँ वहां एक जगह सहमी सी खड़ी हुई है
और एक टक दरवाजे की चौखट को ताक रही है। क्या हुआ माँ? माँ ने बिना मुड़े रितिका से कहा, वो घुस आई है बेटा, वो घर की चौखट तक घुस आई है। कौन माँ? रितिका आगे कुछ पूछ पाती या कुछ कह पाती, उससे पहले डर का वो रूप सामने आया जिसने रितिका और माँ को पूरी तरह दहला दिया। वह किसी दहशत से कम नहीं था। घुंघराले बालों वाली वो चुड़ैल वहां बैठे कौवा मार खा रही है। उसके दांतों की किटकिटाहट किसी सुई की तरह चुभने वाली थी और खाते खाते उसने पलटकर माँ और फिर घर के अंदर खड़ी रितिका पे अपनी नजर डाली और किसकिसाहट भरी। उसके पलटे पैर एक चौखट के नीचे और दूसरा चौखट के ऊपर, लंबे नाखूनों में कौवा की खाल फंसी हुई और दांतों के बीच मांस का टुकड़ा। उसने अपना एक हाथ कौवे की खाल से बाहर निकाला और खून से सना वही हाथ अपने गंदे दांतों में डालकर बीच में फंसा मांस बाहर थूकने लगी। यह देख रितिका जोर से चिल्लाई और उसकी आवाज सुन अमित घबरा कर सीढ़ियों से नीचे भागा चला आया। रितिका, क्या हुआ? उसके बाद जो कुछ अमित ने देखा उसके भी होश उड़ गए। वह घर के अंदर आ गई थी और उन तीनों को ऐसे घूर रही थी जैसे मानो वो उसका उस वक्त का खाना हो। गहराई रात की दहशत और ऐसा डर फैला जिसे खत्म करने का कोई रास्ता नहीं था कि तभी अचानक माँ का माथा ठनका और वो दौड़कर अपने कमरे की तरफ भागी। और उसी वक्त वह चुड़ैल रितिका पर झपटी और उसे नोचने घसीटने लगी। अमित के ऊपर भी उसके कुछ खरोचे लगी जिनसे अमित दीवार से टकरा कर बेहोश हो गया। अमित की माँ भाग कर कमरे में पहुंची, राम राम राम, और पूजा में चढ़ी सीखे उठा ली। चुड़ैल रितिका पर हावी हो चली थी। इतने में माँ ऊपर से तेजी से नीचे की ओर आई। उनके हाथ में पूजा में चढ़ी सीखे थी। उन्होंने चुड़ैल के पास आकर उस पर उन्हीं सीखों से वार करना शुरू कर दिया। माँ ने सीखों के टुकड़े कर उन्हें एक एक करके चुड़ैल पे मारना शुरू किया और वो रितिका से दूर हट गई और दर्द में गुर्राने लगी। जैसे जैसे सीख के टुकड़े उस पर बरसते वह बाहर की ओर गुर्राते हुए भागती। उसके उल्टे पैर कभी हवा में झूलते तो कभी फर्श पर छूते और देखते देखते वह दीवार फांद कर दूसरी तरफ भाग गई। जब अमित को होश आया तो वह दर्द से कर्रा रहा था। रितिका रोए जा रही थी और माँ उनके हाथों में अभी भी कुछ सीख के टुकड़े थे। धीरे धीरे कर दहशत की रात बीती। वह दोबारा नहीं लौटी थी। कहानी जो कुबेरिया से शुरू हुई थी खौफ में बदल गई थी। क्या वास्तव में अंधेरा देखकर उसे कोई अपना घर बना लेता होगा? रितिका और अमित की कहानी से तो यही साबित होता है। इतना बोलकर पत्रकार ने अपना रिकॉर्डर ऑफ किया कि तभी अचानक घर की बत्ती चली गई। ये क्या हुआ? Thank you.